दोस्तों, जो सपना हिंदुस्तान के हर हिंदू ने देखा था, आज वो सपना पूरा हो चुका है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ अयोध्या राम मंदिर के राम रसोई में, जहाँ डेली 10,000 भक्तों को जो राम मंदिर के दर्शन करने आते हैं, उन्हें निःशुल्क 10 तरह की वैरायटी का शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता है, जिसको पूरे इंडिया से आने वाले राम भक्त ग्रहण करते हैं। और यहाँ पूरा खाना बड़े बड़े बर्तनों में पूरी सफाई और अनुभव से बनाया जाता है और सभी भक्तों को भरपेट खिलाया जाता है। तो आइए चलते हैं हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में बसे राम भक्तों की राम रसोई में। आज आपको राम जी का प्रसाद खा करके बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और मैं आ गया हूँ अयोध्या। जय श्री राम। तो अयोध्या आके सबसे पहले तो मैंने मंदिर के दर्शन किए, जिसमें हम हनुमानगढ़ी गए पहले। और मान्यता है कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही जाना चाहिए, पहले हनुमान जी के दर्शन, उसके बाद में आप किसी भी दूसरे मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। और क्योंकि भूख भी लगी थी, अभी तकरीबन 12 बजे का समय हो रहा है, तो अभी हम लोग खाना खाने आए हैं। तो राम रसोई में आप देख रहे होंगे पीछे बहुत भीड़ लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है, क्योंकि अयोध्या आया हूँ, अयोध्या के बारे में कम जानता हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक यूट्यूबर भाई हैं, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया और अभी वो मेरे साथ हैं, आगे की पूरी जानकारी वो ही देंगे। तो ये है ना, आपका शुभ नाम बता दीजिए। जय श्री राम। मैं उमेश त्रिपाठी। और आशीष भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आप अयोध्या है। थैंक यू सो मच। ये पावन भूमि, 21 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और एक एक गली जानता हूँ, एक एक मंदिर जानता हूँ, जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक घुमाऊंगा। क्या बात है, थका दूंगा पर मंदिरों की कमी नहीं होगी। मतलब सही आदमी मिला मेरे को यहाँ पे। तो सबसे पहले, क्योंकि भूख लगी है, रहा भी नहीं जा रहा, मैंने सोचा था अगर मैं राम मंदिर जा रहा हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, तो इसको जरूर हम कवर करेंगे, क्योंकि हर तबके के आदमी यहाँ आते हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, क्योंकि इसका कोई शुल्क नहीं है, तो सब लोग आते हैं। तो स्टार्ट करें। हाँ, पहले प्रोसेस बता दीजिए। जब आप यहाँ पे मंदिर में आए, तो इधर बगल में ही यहाँ पे एक ऑफिस है, और उस ऑफिस में आप जाते हैं, आपको एक पर्ची मिल जाती है। मैं आपको पर्ची दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ले लिया है। वो पर्ची कुछ ऐसी होती है, और आप जितने लोग हो उस पे अपना नाम और अपना एड्रेस लेकर के वहाँ पे जाओ, उनसे एक साइन करा लो, और उसके बाद आप मंदिर के अंदर जाओ। और ये रहा वो ऑफिस। अब यहाँ पे हम लोग ये पर्ची भरने वाले हैं, तो इसमें हम तीनों लोगों का नाम रहेगा, आधार कार्ड लगेगा। हाँ, आपका आधार कार्ड लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग बाहर से आते हो, अयोध्या के लोकल नहीं हो, तो आपका आधार कार्ड भी लगेगा यहाँ पर। तो ये ऑफिस है, देखो यहाँ से पर्ची मिलती है, राम रसोई के नाम से कार्यालय लिखा हुआ है, और फिर लाइन में लगते हैं, जो कि लाइन वहाँ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कितनी लाइन है, बड़ी, बहुत ही बड़ी। अरे धूप ज्यादा लग रहा है क्या? तो राम का नाम ले लो तो धूप। तो अब ये कहाँ देनी है पर्ची? यही ऑफिस में हम लोगों को दिखानी है, इसमें अपना नाम, फोन नंबर और अपना हम लोग कहाँ से हैं। तो मैंने अयोध्या जिला लगा दिया। हाँ। अब चलेंगे ऑफिस में, वहाँ पे पर्ची दिखाएंगे, फिर उसके बाद मंदिर में एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, पर्ची में मोहर लग गया है राम रसोई के नाम से, और तारीख पड़ गई 11 अक्टूबर 2023। देखो दोस्तों, ये मोहर लगती है, ठीक है, और ये तारीख आ जाती है, फिर लाइन में लगना पड़ता है। अब लाइन में लगना है, और देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा पर्ची में, द्वितीय पाली 11:45। हाँ। तो 11:45 पे द्वितीय पाली लगेगी, मतलब दूसरी जो एक, देखिए अंदर जा भी रहे हैं लोग, तो 11:45 हो भी गया है। अच्छा। और अब लोग अंदर जा रहे हैं, खुल गया, हम लोग को भी भाग के चलना चाहिए। तो हम लोग भाग के जा रहे हैं भैया, नहीं तो हो जाएगी देर। अच्छा, तो इसी टाइम पे अंदर जा सकते हैं? हाँ, 11:45 हो गया, अब ये पर्ची देख के हम लोगों को अंदर कर देंगे। ओके। और कैमरामैन को साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको बाहर ही रख देंगे। अच्छा, आइए आइए आइए। ये है माहौल, देख रहे हो आप? बाप रे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पे आपको कई मंदिर दिखेंगे, और सामने है पंचमुखी महादेव भी, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ऊपर भी एक हॉल है, वहाँ पे कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी सी मूर्ति, वहाँ भी लेके चलूंगा। पहले यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे, और आपको रिकॉर्ड कराएंगे खाना बन कहाँ पे रहा है। चलिए, क्योंकि ये बड़े बड़े कंटेनर में खाना भी आएगा यहाँ पे। जय सियाराम। जय सियाराम। आपका एक बार परिचय हमारे दर्शकों। जी, मेरा नाम पंकज है, बस यहाँ सेवा करता हूँ, लोगों को राम रसोई खिला के आनंद प्राप्ति करता हूँ। यह राम रसोई में आचार्य किशोर कुणाल जी हैं, महावीर मंदिर के ट्रस्ट के सच सेक्रेटरी हैं, और यहाँ के भी ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। उन्हीं की असीम कृपा रहती है, कभी भी इसके लिए धन की कमी नहीं होने देते हैं जी। और हर समय यहाँ पर समझिए कि समय समय पर जाँच भी करते हैं,
प्रसाद भी चेक करते हैं खा के कि उसमें कोई गुणवत्ता में कमी तो नहीं आई, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते हैं, और क्वांटिटी भी जितने लोगों को इच्छा है उतना लोग 10 व्यंजन परोसे जाते हैं। 10 व्यंजन, उसमें क्या क्या आ जाता है? कचौड़ी है, आलू दम है, कोफ्ता है, मीठी चटनी है, दाल है, चावल है, पापड़ है, तिलौरी है जी, एक चम्मच घी है, सांबर है, लगभग 10 आइटम। यहाँ पर एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक बार में 1000 का कैपेसिटी है, मंदिर के पीछे भी है। अच्छा। आप देख सकते हैं मतलब गलियारे में, गलियारे चौक में भी है, बस केवल यही क्षेत्र जहाँ अन्न रखते हैं लोग नहीं है, नहीं तो हर जगह चप्पे चप्पे पे लोग। बहुत बढ़िया। पर ले सकते हैं, दोबारा तिबारा हमारे जितने भी वर्कर हैं, सेवादार हैं, ये सब देखेंगे कि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। जयकारे भी लगाते हैं, जयकारे भी लगाते हैं बहुत जोश खरोश से। तो ये यहाँ पर तो भोजन जो बना हुआ है वो रखा हुआ है ना? हाँ, ये किचन है। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम लोग किचन में जा रहे हैं, है ना। और ये देखिए, ये तो पकोड़े हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, और कितने बड़े बड़े जो हैं भगोने आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आलू दम है। अच्छा, ये आलू दम है। हाँ, बिहार का परंपरागत सब्जी। क्या बात है। ये कोफ्ता है। ये कोफ्ता है, कोफ्ता की कड़ी है। हाँ, कड़ी है, चावल बन रहा है। अच्छा, तो ये तो चावल बन रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। ये देखिए दाल है स्टोर में, दाल निकाले जा रहे हैं। ये दोस्तों देखो, दाल निकाली जा रही है, और ये बहुत ही बड़े बड़े भगोनों में बनाई जाती है, ये देख सकते हो आप। गरम गरम कचौड़ी खिलाता हूँ लोगों को। गरम गरम कचौड़ी। ये पापड़ हम लोग छानेंगे, और ये देखिए किस तरीके से जल्दी 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 किया जा रहा है। ये सालों का अनुभव है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये कचौड़ी बन रही है। कचौड़ी बन रही है, ये देखिए दोस्तों, ये बन रही है कचौड़ी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, यार क्या बात है। तो ये सारे जो हैं वॉलंटियर्स हैं, है ना, और डेली ये खाना बनता है यहाँ पर, प्रसाद बनता है और डेली दिया जाता है। रोज, रोज। कभी छुट्टी नहीं होती ना? कभी नहीं, कभी भी नहीं। होली दीपावली में भी हम लोगों का और काम बढ़ जाता है। अच्छा। सब लोग घर में रहते हैं, हम लोग भक्तों को खिलाने में, उस समय दुकान भी नहीं खुली रहते हैं। क्या हुआ, पहले पानी आ गया, प्यास भी बहुत लगी थी, थोड़ा ही दीजिए। तो यहाँ पे पूड़ी को कचौड़ी बोलते हैं? नहीं, दोनों चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे, पूड़ी भी मिलेगी, कचौड़ी भी मिलेगी। और ये दाल है कि कड़ी है? ये दाल है। दाल है। तो देखो दोस्तों, अभी तक तो एक तो हमें ये मीठी चटनी मिली है, है ना, और पूड़ी मिली है जिसको कचौड़ी कहते हैं, या फिर पूड़ी और कचौड़ी दोनों आने वाली है। ये है दाल, ये देखो ये है दाल, और बाकी की चीज़ें अभी धीरे धीरे करके आ रही हैं। तो आज राम रसोई में खाएंगे, है ना? हाँ, राम रसोई भी नाम है, अमावा राम मंदिर भी नाम है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अरे एक मिनट सुनिए, एक बार फिर डालिए। घी डाल भी दिया आपने? ये देखिए घी डाल दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें थाली उठा करके लेते हैं ऐसा? और ज्यादा हो गया सर, इसमें से ले लेंगे हम। बहुत ज्यादा हो गया। तो देखिए, वैसे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कम या ज्यादा, आप जितना खाएं उतना ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं जितना खाता हूँ उससे ज़्यादा मैंने ले लिया है, बट देखिए हमारी जो अब ये है ना प्रसाद की थाली लग चुकी है। सबसे पहले हम लोग अमावा राम मंदिर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क हर तबके के लिए मुफ्त और प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है। तो लोग आते हैं, खाते हैं, और फिर मंदिरों में दर्शन करके और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तो ये आ गई है, अब खा करके देख लेते हैं। जय श्री राम।
बहुत स्वादिष्ट, सीरियसली है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। अब देखिए पापड़ भी आ गए अलग अलग तरीके के। देखिए यहाँ पे पापड़ भी आ गया है ना, तल रहे थे हमने आपको दिखाया था अंदर किस तरीके से तल रहे थे इसको। और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या नलकी कहते हैं इसे, नलकी। ये बड़ी आती थी पहले, हाँ पैकेट में मिलता था, लंबा लंबा उंगली में फंसाते थे फिर खाते थे। ये देखिए हमारी जो प्रसाद की थाली है वो लग गई है ना, बहुत ही सही। और देखिए कितना भर भर के देते हैं यहाँ पर, लोग खाते हैं आनंद लेते हैं। और बाकी फिर आपको बाकी चीज़ें बाद में बता दूँ।